एक भी आदमी ऐसा मुझे नहीं मिला जिसको अहिर रेजिमेंट से प्रॉब्लम हो। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये इतने दिनों से मांग चल रही है अहिर रेजिमेंट बनाओ, अहिर रेजिमेंट बनाओ। तो मैं ये लोगों से पूछ रहा था कि अब अहिर रेजिमेंट बनवाने की मांग मत करो, ये तो पूछ लो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अगर 114 लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए स्तंभ की तरह खड़े होके दूसरों से लोहा लिया, अपनी जान गवाई, तो उनके सम्मान के लिए रेजिमेंट बनाओ। और अगर मैं एक दूसरी तरफ ये भी डिमांड करता हूँ कि अगर ऐसा लगता है कि अहिर रेजिमेंट में प्रॉब्लम है, तो जितनी भी रेजिमेंट है उनको सबको मिटाओ और देश में खाली भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, और उसमें आप अपने अनेकता में एकता वाले लोग हैं। तो ये नामों से जो मतलब ये रेजिमेंट वो रेजिमेंट वो रेजिमेंट, तो हमारा देश भाव का देश है। तो किसी के भाव को बढ़ाओ तो किसी